एशिया कप 2023 के सुपर चार में भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच कोलंबो में मैच खेला गया। मैच के भारतीय टीम ने स्ट्रगल करते हुए जैसे तैसे 213 रन बनाए। इसके बाद गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका को 41 रनों पर रोक दिया। मैच जीतकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है और कोलंबो में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने 213 रन बनाए थे। मैच में अकेले कैप्टन रोहित शर्मा का बल्ला चला, जिन्होंने 48 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कोई भी प्लेयर 50 नहीं लगा सका। श्रीलंका के सामने 214 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में पूरी टीम 172 रन ही बना सकी है और इसके साथ भारतीय टीम फाइनल्स में पहुंच गई और ये जीत भी हासिल की है। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जुड़ चुके। राकेश रंजन, कल श्रीलंका और भारत के बीच में मैच में भारत ने जीत हासिल की, इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जानकारी तो ये है कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है, इसलिए कल की जीत का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और आपको बता दूं कि भारत का भी सुपर फोर का एक मैच बचा हुआ है बांग्लादेश के साथ, जो कि 15 तारीख को खेला जाएगा। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जब आपका एक मैच बचा हो और आप दो लगातार जीत के साथ सुपर फोर में जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, और भारतीय टीम के साथ ये हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ तो आपने देखा कि जो भारतीय बैटर्स हैं उनमें कितना दम है। जो मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला गया उसमें दिखा कि हाँ, भारतीय गेंदबाज काफी दम है और उन्होंने दिखाया कि वो छोटे स्कोर को भी डिफेंड करना अच्छे से जानते हैं। आप अगर इस टूर्नामेंट को अभी तक देखें तो जो ग्रुप में भारत के दो मैच हुए थे, जो पहला मैच पाकिस्तान से और फिर नेपाल से, तो उन दो मैचों का हाल जो था वो थोड़ा दूसरा था। हालांकि नेपाल से भारतीय टीम जीत गई थी, लेकिन बावजूद इसके उसमें जब नेपाल ने 230 रनों के आसपास का स्कोर बना लिया था तो एक सवाल ये जरूर उठने लगा था कि भारत की गेंदबाजी जो है वो कैसी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो पहला मैच हुआ था उसमें इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छे से बैटिंग नहीं कर सका था, तो उन पर सवाल उठे थे। तो जो ये दो सवाल ग्रुप मैचेस में उठे, आलोचकों के द्वारा जो उठाए गए, उन सब का जवाब जो है भारत ने सुपर फोर के इन दो मैचों में दे दिया है। अब अगर आप इस टूर्नामेंट को देखें तो भारत के पास अब दो मैच बचे हुए हैं, लेकिन हम बात करें अगर कल के मैच की, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने पहले बैटिंग की और 213 रन बनाए। और जो भारतीय पारी के हाईलाइट की हम बात करें तो रोहित शर्मा ने फिर से एक बार अर्धशतक लगाया। इस एशिया कप में उनका ये लगातार तीसरा अर्धशतक है, और आपको ये बता दूं कि कल 22 रन बनाते ही रोहित शर्मा ने अपने 10,000 रन भी वनडे इंटरनेशनल में पूरे कर लिए, तो ये बड़ी उपलब्धि है। वो छठे इंडियन बैटर बने हैं जिन्होंने कि वनडे इंटरनेशनल में 10,000 रन बनाए हैं। लेकिन भारतीय टीम के जो अन्य बैटर हैं, जिनमें हम केएल राहुल और ईशान किशन को छोड़ दें, तो बाकी कोई भी बैटर जो है बहुत कुछ नहीं कर सका था। लेकिन जब 213 रन बने थे और श्रीलंका की टीम को 214 रनों की दरकार थी, तो लग रहा था कि श्रीलंका का पलड़ा भारी है, लेकिन पिच जिस तरह की थी ये बात तय था कि स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है। और अगर हम कहें कि जब पारी शुरू हुई श्रीलंका की चीज करते वक्त, तो उस वक्त जो इंडियन पेस बॉलर्स ने गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ है। और आपको बता दूं कि बुमराह ने जो है शुरुआत में ही दो विकेट निकालकर जो है वो श्रीलंका को बैकफुट पर कर दिया। श्रीलंका का एक समय 99 पर जो है वो 6 विकेट गिर चुका था, लेकिन उसके बाद जो एक फाइट बैक वहां पर आया है 7वें विकेट के लिए बिल्ले गिले और धनंजय डिसिल्वा के बीच में, तो उसने जो है भारतीय प्रशंसकों की जो धड़कने हैं उसको थोड़ा तेज कर दिया था।
लगा कि अब जो है मुकाबला हाथ से कहीं निकल ना जाए, लेकिन वहां पर जो है फिर से रविंद्र जडेजा ने आकर जब धनंजय को आउट किया, उसके बाद से स्थिति जो है वो सामान्य हो गई और फिर भारत ने जल्दी से जो है वो समेट दिया, क्या कहते हैं, श्रीलंकाई टीम को, और मुकाबला जो है बड़ी आसानी से जीत लिया। तो अगर हम मैच की बात कर रहे हैं तो भारत के लिए ये बड़ी जीत है। जब भी आप 50 ओवरों का मैच खेलते हैं और 30 से ऊपर अगर आपके जीत का मार्जिन है तो उसे कंफर्टेबल माना जाता है। भारत ने यहाँ 41 रनों से जीत दर्ज की है। तो ये जो है पूरा मैच का हाल है, जो टूर्नामेंट का हाल है वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हाँ, श्रीलंका के विल्ले गेले का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, उन्होंने कबाल की गेंदबाजी की और 40 रन देकर 5 विकेट लिए। इस युवा तेज गेंदबाज में काफी प्रतिभा है और आप मानकर चलिए कि क्रिकेट जगत में अगर ये इसी तरह से प्रदर्शन करते रहे तो क्रिकेट जगत के ये आने वाले सितारे हैं और ये क्रिकेट जगत के आसमान पर चमकेंगे जरूर, ये बात तय मानकर चलिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी भी उतनी ही अच्छी रही और उन्होंने जो है एक धनंजय के साथ जो पार्टनरशिप की वो जो है काफी अच्छी थी। तो कुल मिलाकर भारत के लिए मैच बेहतर रहा, विल्ले गेले ने श्रीलंका के लिए एक प्लस पॉइंट दिखाया। भारत के लिए निराश करने वाली बात बस यही थी कि ये स्पिनिंग ट्रैक था, उसके बावजूद अक्षर पटेल अपना प्रभाव छोड़ पाने में असफल रहे और वो अपना पूरा कोटा भी नहीं कर सके, जबकि ट्रैक स्पिनर्स को मदद कर रही थी। बावजूद इसके अक्षर का प्रदर्शन गेंदबाजी में अच्छा नहीं रहा, लेकिन अक्षर ने बल्लेबाजी में जो है महत्वपूर्ण रन बनाए भारतीय टीम को, और ये अक्षर ही थे जिन्होंने भारत के स्कोर को 200 के पार किया था। लेकिन ये एक चिंता की बात है कि जब अक्षर खेलते हैं तो वो एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, तो बैटिंग तो ठीक है लेकिन जहां पर हेल्पफुल कंडीशन हो, जैसे भारत में भी विश्व कप होना है तो वहां पर स्पिनर्स के लिए मदद होगी, तो वहां पर अक्षर की जो गेंदबाजी है वो अच्छी होनी चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कुलदीप हमेशा की तरह लाजवाब रहे और एक बार फिर उन्होंने 4 विकेट लिए, तो सुपर फोर के 2 मैचों में उनके नाम जो है 9 विकेट हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिया था और उसके बाद जो है उन्होंने 4 विकेट जो है श्रीलंका के खिलाफ लिए हैं। रविंद्र जडेजा को भी 2 विकेट मिला है, बुमराह ने 2 विकेट लिए, सिराज ने 1 विकेट लिए। तो कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अक्षर की बात अगर हम छोड़ दें तो हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय टीम जो है एशिया कप के सुपर फोर में पहुंच गई है। सुपर फोर के बेहद महत्वपूर्ण मैच में उसने श्रीलंका को पराजित कर दिया है और अभी सुपर फोर का एक मैच जो है वो बचा है। अब पाकिस्तान का जो मुकाबला श्रीलंका से होगा वो सेमीफाइनल जैसा हो जाएगा। जो भी उस मैच में जीतेगा फाइनल में भारत की भिड़ंत उसी से होगी। जी राकेश रंजन, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट